अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफकत हुसैन बाजवा। मैं हूं गवादर फाइव ए मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि एपिसोड वाइज मैं कह रहा था कि मैं आपको गवादर की सैर कराऊंगा इंशाल्लाह, तो आज उसी सिलसिले में ये मैं निकला हूं। ये अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये नगोरी वार्ड है। कल हमने कलोनी वार्ड पर ख़त्म किया था काम, तो आज ये आपको नगोरी वार्ड इंशाल्लाह विज़िट करवाते हैं। ये देखिए, ये अब मैं स्टार्ट हुआ हूँ यहाँ से। ये नगोरी वार्ड की गली है, समंदर की तरफ से मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ। समंदर की तरफ चूँकि एक्सप्रेस वे बन रही है, इसलिए यहाँ आसान नहीं है कोई भी इस तरफ एंट्रेंस बंद की हुई है ना। ये नगोरी वार्ड के पहले घर है, मैं आपको दिखा दूँ, ये आप ज़रा चेक कीजिएगा। ये गवादर के रिहायशियों की बुदोबाश है, ये वो लोग हैं जो यहाँ के मकामी हैं। ये आप देख रहे होंगे जैसी दीवारें बनी हैं, सूरज आज फिर सामने है, ये आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। मैं यहाँ से गुजर के जा रहा हूँ, आपको ये साथ साथ मैं दिखाता जा रहा हूँ। और ये देखिएगा, ये घर हैं, इस तर्ज के घर बने हुए हैं। नगोरी वार्ड यहाँ का सबसे अच्छा घर जो है, अच्छी जगह कहलाती है, जो गवादर का बेहतरीन वार्ड है। मैं वार्ड टू वार्ड तो नहीं फिर सकता, लेकिन जो मेरा रूट होता है मैं वीडियो उसी की बना रहा हूँ इंशाल्लाह मैं, ताकि आप लोगों को जो है सिर्फ आगाह करता रहूँ कि ये जिस तरफ से हम गए और इस तरफ से आए। तो ये आप सामने देख रहे हैं, जैसे हम समंदर से चढ़ते हैं तो नगोरी वार्ड का थोड़ा सा रास्ता आता है और ये साथ ही एयरपोर्ट रोड पर स्टार्ट हो जाता है। तो हमने कहा कल जहाँ पर छोड़ा था वो रास्ता पीछे है, वो हमने कलोनी वार्ड पर ख़त्म किया था। तो कलोनी वार्ड की एक साइड जो है वो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट रोड को लगती है, उसकी बैक है, और दूसरी साइड जो यहाँ ये बाज़ार है जी, ये देखिएगा आप, ये मदरसा आयशातुल बनात बना हुआ है। और ये जो आपको मेरे लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, मेरे लेफ्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारे बैंक्स बने हुए हैं, ये मार्केट है। एक लोकल भाई साहब हमारे लेफ्ट राइट इन्हीं की ज़मीन है और इन्होंने ही अपना ये बनाए हैं, तो सॉरी शॉप्स बनाई हुई हैं। ये काफ़ी ये उसी वक्त से स्टार्ट हुई, आबाद हुई और फिर उजड़ गई, फिर आबाद हुई। ये मार्केट दो तीन दौर में इस तरह से इसकी हालत जा रही है। ये मेरे लेफ्ट पे आप देखेंगे, राइट पे जो मस्जिद है और ये बिल्डिंग गुजरी है, ये डीसी हाउस है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पीआईए का ऑफिस है, जो लेफ्ट पे ये गाड़ी खड़ी हुई है, लेफ्ट पे जो नज़र आ रही स्क्रीन पे ये खड़ी हुई है जी, पीआईए का ये ऑफिस है। और ये मेन चौक है यहाँ का, शहर का सीरतुलनबी चौक, जहाँ पे पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है, कायम कायम है इंशाल्लाह, अल्लाह पाकिस्तान को कायम कायम रखे। तो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट के हवाले से, तो ये वो जगह थी बेसिकली जहाँ पे जो मैंने पहली एपिसोड का ड्रॉप किया था, जो जहाँ पे वहाँ से ही शुरू हुआ है। अभी आज हम दोबारा किए शुरू, कलोनी वार्ड है ये राइट पर, ये सारा हम एयरपोर्ट रोड जो है ये देखते हुए जा रहे हैं। नाजरीन, आपको मैं ये वीलॉग बना के इसलिए भेज रहा हूँ कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत काम आएगा। जो लोग ग्वादर के बारे में जाली वीडियोस बना के और शोशा और बड़े बड़े प्लाजे दिखाते हैं और बड़ा बड़ा शो करते हैं, इस राइट ये राइट पे एक ताहरी प्लाजा जी एक बिल्डिंग है जो चार स्टोरी बनी हुई है, ग्राउंड प्लस 3 की। ये एक अच्छी बिल्डिंग बनी थी कभी, उसके बाद ये अभी बना है बैंक अल हबीब के लिए, ये बिल्डिंग बनी है। तो लेफ्ट पे हमारे देखें तो ये वही स्टोर्स हैं, ये जो 2004 के बाद की, जब 2004 की मैं बात करता हूँ उसके बाद की ये डेवलपमेंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे लेफ्ट पे ये एक और बिल्डिंग बनी है, वो भी नज़र आ रही होगी आपको, ये ब्राउन से कलर की। तो ये एयरपोर्ट रोड पे डेवलपमेंट हुई है इन 17 साल के अंदर, 17 साल 17 ईयर्स। अच्छा जी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं नीला बोर्ड है, ये न्यू टाउन हाउसिंग स्कीम के कमर्शियल प्लाट यहाँ से शुरू होते हैं। ये मैंने टर्न किया और इसकी बैक की रोड पे जाने लगा आपको दिखाने के लिए कि ये कमर्शियल प्लाट्स टू साइड ओपन है। और ये इनमें ये जो ये सड़क आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने वाली सड़क जो है ये डीसी ऑफिस की तरफ जा रही है, ये डेवलप हुई है जी, ये मॉडर्न डेवलपमेंट है। 2004 में ये घर बना हुआ था, ये मैं आपको बता दूँ कि ये 2004 में बना हुआ था घर, जो नज़र आ रहा है। ये प्लांटेशन अब हुई है न्यू टाउन में, बहुत अच्छी प्लांटेशन की है, बड़ी एफर्ट की है यहाँ हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब जो नए आए हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत की है और यहाँ कुछ नज़र आना शुरू हुआ है। इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये आपको ग्वादर इंडस्ट्रियल इस्टेट का ऑफिस है, ये झंडा पाकिस्तान का लहरा रहा है, ये है जी ग्वादर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स। यहाँ ऑफिस
ऑफिस है इसका, लेकिन इंडस्ट्रियल इस्टेट में आपको जो है एपिसोड नंबर 4 में भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी एपिसोड 2 है। ये बेंगलोर उसी तरह से खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं जैसा 2003-04 के बाद जैसे स्टार्ट हुए वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन कोशिश की गई कि 2006-07 के जो टेन्योर गुजरा उस टेन्योर में ये रास्ता बना दिया गया। पौधे अब लगे हैं लेकिन रास्ता ही बना दिया गया। आप ये देखिएगा कि ये स्लिप रोड जो बनाई है, सर्विस लेन्स जो बनाई है, ये न्यूटाउन है, न्यूटाउन हाउसिंग स्कीम फेज 1 ग्वादर की वाहिद स्कीम है जो काफ़ी पुरानी है, 1984 के दौर की, 86 के दौर की। ये इसमें प्लॉट्स की अलाटमेंट लोगों को की गई है और माशाल्लाह ये सारे लोकल लोग यहाँ पे आबाद हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बाहर से आके यहाँ पे आबाद हुआ हो, यानी जिसने अपना घर बनाया हो। कोई एक आधा ही स्पेस होगा और ज़्यादा नहीं हो सकता, सारे के सारे हमारे लोकल यहाँ के लोग हैं जो दूरदराज तुर्बत और पंजपुर या उससे भी दूर के अवरान फारान वगैरह के इलाके के मुश्किल के इलाके से आके रह रहे हैं। ये मेरे लेफ्ट पे जो देख रहे हैं आप, मेरे लेफ्ट पे जो आप देख रहे हैं ये बैंगलोर आपको नज़र आ रहे हैं, ये न्यू टाउन के हैं। ये हज़ार गज के ये बैंगलोर हैं। ये बैंगलोर जो है इसी 2-3 साल की ये पैदावार हैं और इन्हीं 3 सालों में बने हैं जब से यहाँ दोबारा एक रिवाइवल हुआ ग्वादर का 2015 में। तो ये उसके बाद की ये डेवलपमेंट है ये जो हो रही है। ये देखेंगे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं मॉडर्न शहर जो बन रहा है, मॉडर्न शहर की ये शक्ल है जो नया शहर बन रहा है। मतलब आप ये समझे कि जो रहने वाले लोग हैं वो हैं और जो नए आने वाले लोग हैं वो ये हैं। ये चंद है कि इनमें से कुछ लोगों ने आगे शायद यहाँ घर बना लिए होंगे, जाहिर है कुछ ज़्यादा तादाद उनकी नहीं कह सकते आप, ज़्यादा तादाद शहर के अंदर ही आबाद है। ये वही लोग हैं मेरे जैसे नए आए और बाहर से आके यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बाहर से, बलूचिस्तान से बाहर नहीं, बलूचिस्तान के लोग। यहाँ भी बेंगलोर देखें, बेंगलोर की शक्ल देखें और फिर डेवलपमेंट देखें। मैं आपको दिखाता हूँ ये डेवलपमेंट है, ये जो मॉडरेट स्कीम है न्यूटाउन हाउसिंग स्कीम इस वक्त की, ये इसकी डेवलपमेंट है। अभी कुछ सड़कें न्यूटाउन अथॉरिटी ने बनानी शुरू की हैं। अगर आप मेरे राइट पे देखें तो ये मोनूमेंट है मेन शहर का, तो इसके अंदर वो सामने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है ये बेसिकली फुटबॉल स्टेडियम अब बनाया जा रहा है बच्चों के लिए कि यहाँ पे बच्चे जो है वो खेलें। लेकिन शहर के अंदर से 8-7 किलोमीटर बाहर आके खेलने के लिए जगह मेरे ख्याल है कि बहुत ही इस एरिए के लोगों के लिए तो मुनासिब हो सकती है, दूर दराज के लोगों के लिए मुनासिब नहीं हो सकती। ये सारा मोनूमेंट है जी, आपको शायद ये नज़र आ रहा हो। इस मोनूमेंट पे ये मेन शहर का मोनूमेंट है, ये लेफ्ट हमारे जो है न्यू टाउन फेज 1 नज़र आ रहा है आपको। और इसका ये गोल्डन ब्री ब्लॉक है, इसको एन ई स्ट्रीट कह रहे हैं ये लोग, एन ई ब्लॉक और स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 ऐसे ये बोर्ड लगे हुए हैं इन ब्लॉकों के। ये घर आपको नज़र आ रहे होंगे, आप ज़ाहिर देख ही रहे होंगे वीडियो में। ये जो घर नज़र आ रहे हैं आपको, प्लॉट्स पड़े हुए हैं, ये बेसिकली वही हैं जो नए सेट हो रहे हैं लोग, या जो कहीं पुराने लोगों ने शहर से निकल के घर बनाया। ज़्यादातर निगौर के लोग हैं जो आके यहाँ पे आबाद हुए हैं। निगौर में शिवाली दरबेला, जाद मच्छी और चिबरेगानी किया कलात, निगौर शरीफ, ये इलाके निगौर में आते हैं। ये जनाब जना एवेन्यू स्टार्ट हो गई है, इस जना एवेन्यू को स्टार्ट हो गई है जना एवेन्यू के राइट और लेफ्ट दोनों, ये फेज़ 1 है न्यू टाउन का। तो ये एक मॉडर्न चेहरा जो आपको दिखा रहे हैं, ये मॉडर्न चेहरा है ग्वादर का, जो कहते हैं कि हम लोग जो है शहर को बहुत मॉडर्न बना रहे हैं। तो ये मेन बुनियादी रोड है जिना एवेन्यू, जिस पे पिछले 4 साल पहले ये सड़क को बड़ा किया गया है, वरना ये आधी थी इससे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आपको विजिट कराने के बाद कोशिश करेंगे कि एपिसोड नंबर 3 में जो है बाहर के एरियाज़ भी आपको दिखाए जाएँ जो उनका असल लाइफस्टाइल है, जिस तरह से लोग असल रह रहे हैं। बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, अच्छे काम, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे गए हैं ये काम, सारे के सारे ये काम बहुत नीचे गए हैं। मतलब इसको ऊपर होना चाहिए था, जल्द बनना चाहिए था, लेकिन शायद मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा हों, लेकिन फिर भी 17 साल बहुत बड़ा अर्सा होता है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए। ये एक अच्छी रोड न्यू टाउन ने बनाई है, कब्रिस्तान की ये चार दीवारी भी बनाई है। तो ये आप मेरे राइट पे देख रहे होंगे, ये घर हैं, ये न्यू टाउन का मेन कब्रिस्तान है जो फेज़ 1 न्यू टाउन में मौजूद है। यहीं ईदगाह भी मौजूद है, जनाजा गाह भी यहीं पर है। तो लोग जो है सारे ग्वादर के आलमोस्ट इस एरिए के लोग जो हैं उनको ये कब्रिस्तान लगता है। इसके अलावा जो मेन कब्रिस्तान है वो पहाड़ के नीचे
टाउन की ये डेवलपमेंट हुई पड़ी है, जो हसबे तो वक्त को बेशक ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से शायद ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। न्यू टाउन फेज वन और जो न्यू टाउन फेज टू है, इसके पांच फेजेस हैं, जिसमें पहले फेज में आपको विजिट करवाया है, जिसमें फेज टू थ्री फोर का कुछ पोर्शन भी आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जो मेन आबादी है, जो पुरानी आबादी है, जिसमें मैं भी घर लेके रह रहा हूँ, वो है शंबे इस्माइल। इसको भी न्यू टाउन में शामिल कर लिया गया है। जैसा कि मैं ये गाड़ी अभी सीधा जा रहा हूँ, तो जो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये सब तीन बच्चे जा रहे हैं, ये शंबे इस्माइल की आबादी है। ये कंदील चौक से जिना एवेन्यू तक ये रोड है, राइट लेफ्ट आपको जो नज़र आ रही है, ये बेसिकली फेज़ वन को और इसको फेज़ टू को और शंबे इस्माइल को डिवाइड करती है। ये अब हम जा रहे हैं फेज़ टू की तरफ। मैं चाह रहा था कि आपको फेज़ टू भी दिखा दूँ। फेज़ टू में भी एक रोड जो है वो डेवलप कर दी गई है फेज़ टू में, इसकी न्यू टाउन की। तो ये हमारे राइट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे राइट पे न्यू टाउन फेज़ टू है। ये सड़क जो है छोटी एक बना दी गई है न्यू टाउन में। ये 100 फुट की रोड थी, मगर ये इसको शायद छोटा किया गया और प्लाट्स एडजस्ट किए गए हैं लोगों को, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो गया था मास्टर प्लान आने के बाद। बहुत सारे प्लाट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए थे। तो साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैं अपनी ज़िंदगी के 17 साल को रिव्यू कर रहा हूँ। ये किसी ख़ास बंदे के लिए या किसी ख़ास इस्तेमाल के लिए या किसी की दिल आज़ारी के लिए वीडियो नहीं है। इसको चाहे मेरे दोस्त इन्वेस्टर्स, मेरे जो ज़ाहिर कोलीग होंगे, वो इसको बहुत बुरा समझेंगे कि आप ग्वादर का बैड इमेज दिखा रहे हैं, लेकिन जो कड़वा सच है वो यही है कि 17 साल में आप पूरे इदारे, पूरा पाकिस्तान की नज़र इस पर लगी। ये जी ये टेलीफोन एक्सचेंज है, आप मेरे राइट पे देख रहे हैं, लेफ्ट पे, और ये डिवाइडर रोड है, और ये हम फेज़ टू हमने स्टार्ट कर दिया है। फेसबुक का उधर से व्यू दिखाया था और मैं आपको इधर से दिखा रहा हूँ। इसको आप ज़रा ध्यान से देख रहे हैं, हमारे लेफ्ट पे ये जो है फेज़ टू और राइट पे भी फेज़ टू न्यू टाउन हाउसिंग की गवादर है। इसके अच्छे रेट्स रहे हैं, वक्त के हिसाब से ऊपर नीचे जाते रहे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का जो ज़िंदगी का मेयार है वो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। ये बच्ची जैसे पानी लेने के लिए खड़ी हुई है ड्रमों से, ये आप अंदाज़ा करें, ये मेयार है, ये लिविंग है यहाँ। और ये बच्ची जो है ये सारी ज़िंदगी सरगर्दा है इसी पानी के लिए। ये ड्रम में पानी डाल के दे जाते हैं बल्दिया वाले और ये पानी इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी डेवलप शहर में, किसी बड़े शहर में, जहाँ जिसको आप डिज़ाइन कर रहे हों, वहाँ के बासी, वहाँ के नेटिव लोग, वो बेचारे इस तरह से पानी के लिए सरगर्दा हों और इस तरह से ख्वार हो के उनको एक एक ड्रम पानी मिले, तो उस ज़िंदगी का क्या है उस उनकी ज़िंदगी हो सकती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरफ भी ड्रम पड़े हैं। मैं रोड के क्रॉस करता हूँ, रोड को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये आपको शायद ड्रम नज़र आ रहे होंगे, ये नीले कलर के। तो ये जो ड्रम है बेसिकली ये पानी की सप्लाई है। ये गाड़ी टैंकर आता है, उसमें एक एक ड्रम भर के दे देता है, वो शायद दो घर इस्तेमाल करते हैं, ये एक घर इस्तेमाल करता है। तो मैं बयान से, मतलब ये बात जो है काबिले बयान नहीं है, इस बात को बयान नहीं किया जा सकता। मतलब मेरा दिल दुखता है, मैं देखता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये हमारा फेज़ टू चल रहा है न्यू टाउन का, ये मॉडर्न शहर है जी, जो शहर की तरक्की हुई है। ये फेज़ वन मैंने आपको पहले दिखा दिया, अब फेज़ टू मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यू टाउन हाउसिंग स्कीम का। ये आप देखिए जना एवेन्यू पे हम जा रहे हैं। जना एवेन्यू पे ये जो ट्रैक बनाया है, मुझे नहीं पता कि इसको इस तरह बनाना चाहिए था या एक मॉडर्न रोड बनानी चाहिए थी। इसका जो तामीर का मेयार है वो भी शायद क्वेश्चनेबल है। ये मेरे लेफ्ट पे आप देखें, ये सारे वाटर सप्लाई के लिए रखे हुए हैं। ये मेरी माँ जो खड़ी हुई है यहाँ पे, मेरी बहन, ये पानी के इंतज़ार में है कि पानी आएगा और कब हम लेके घर जाएंगे। अंदाज़ा करें आप, ये हमारा सी पैक का झूमर है जी, हमारा सी पैक का झूमर है। ये न्यू टाउन की फेज़ टू की डेवलपमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और गंद कचरा और इसकी पोजीशन मैंने आपको दिखा दी है। जो एक ओवरव्यू है, इस तरफ सूरज हमारे सामने है, शायद वीडियो अच्छी ना बन सके। मैं अब जो है इस तरफ, यहाँ से मुड़ के इस तरफ जा रहा हूँ, तो ये व्यू जो है आपको इस रोड का सामने भी नज़र आ जाएगा। ये जो रक्शे खड़े हुए हैं, इन रक्शों की तरफ सामने अगर आप देखें, ये न्यू टाउन फेज़ फोर का कुछ पोर्शन था, वो जो है उसमें ज़्यादातर जो है लोगों ने घर बना लिए हैं, जिसके पास घर नहीं था, और जिन कई लोगों ने बनाए हैं, तो उनमें जो मेन फाइलें थी वो किसी
किसी और के नाम है और प्लॉट पे कोई और बैठा हुआ है। ये एक आपको अजूबा दिखा रहा हूँ जी, ये एक बेहतरीन अजूबा है ग्वादर हमारे का। ये एक मस्जिद है जो सेंट्रल मॉस्क बनाई गई थी 2005 के दौरान। तो ये 2005 से लेके अब तक ये तकमील के मराहिल में है। आप अंदाज़ा कर लें कि मैं क्या कहूँ, आप अंदाज़ा करें कि ये 17 साल हो गए हैं ये खुदा का घर जो है इसको आबाद नहीं कर रहे। खुदा जाने इसमें क्या हिकमत है और क्या कहा जा सकता है। यहाँ पे जी न्यू टाउन फेस 2 भी ख़त्म हो गया, अब हम पिशुकान एवेन्यू हमारी रोड है जो नहीं बनाई गई है, जो एक मॉडर्न रोड है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रॉन्ग साइड पे आ गया हूँ, मैं आपको रॉन्ग साइड से ही गुजर के दिखा देता हूँ। ये जी मैं ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं बोर्ड्स लगे हुए, ये इंडिकेटर हैं क्या इस तरफ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसमें हमारे पास यहाँ इस पिशुकान एवेन्यू पे GDA पब्लिक हायर स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, कल्चरल सेंटर है, GDA का हॉस्पिटल है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और अदालतें मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये हमने आपके लिए अगले फेज में रखी हुई हैं। राइट पे मेरे आपको सेंट्रल पार्क नज़र आ गया होगा, ये सेंट्रल पार्क है। और ये जो मोनूमेंट है छोटा, हमने आपको बड़ा दिखाया, ये पिशुकान एवेन्यू के ऊपर ये एक छोटा मोनूमेंट है। इस पे दरख्त तो लगाए गए लेकिन असल बात वही कि उनकी हिफाजत सही तरह से नहीं हो हुई या नहीं की गई। और मस्जिद पे शुक्र है अल्लाह का कि ये काम स्टार्ट है, मे बी कुछ दिनों में कुछ अरसे में ये मस्जिद तैयार हो जाए और हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें इंशाल्लाह। ये शहर से कोई 9 किलोमीटर बाहर बनती है, 8 या 9 किलोमीटर मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है गलत हो लेकिन इतना ही शायद अंदाजे से बनता है। पिशुकान एवेन्यू पर हम आए हैं, पिशुकान एवेन्यू पे हम आए हैं जी, और पिशुकान एवेन्यू को हम देखते हुए इंशाल्लाह जाएंगे आगे, इसी तरह जाते रहेंगे। ये सुबह चुके सनसेट है और सनसेट पे नज़र नहीं आता। ये पिशुकान एवेन्यू पे हमारे लेफ्ट पे जो है ये फेज़ 2 है, लेफ्ट पे हमारे फेज़ 2 है न्यू टाउन का, और इसी तरह जब जाते रहेंगे तो आगे फेज़ 4 भी आ जाएगा। और फेज़ 4 जब आएगा तो मैं आपको फेज़ 3 भी दिखा दूँगा। ये आप नाज़रीन इसको देखते जाएँ, ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है जी, रोड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन इसकी मेकिंग जो है मटेरियल वाइज वो मुझे लगता है कि मेरे समझ के मुताबिक ये बहुत ठीक नहीं है, ठीक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। ये जी एजुकेशन ब्लॉक आ गया यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एजुकेशन ब्लॉक आ गया मेरे सामने बिल्कुल। तो इस एजुकेशन ब्लॉक में गवर्नमेंट कॉलेज ग्वादर है और तिब्बत यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कायम हो गई है माशाल्लाह। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो इस इलाके की तरक्की को का निशान एक वक्त साबित होगी। ये आपको जो पीली बिल्डिंग नज़र आ रही है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके साथ जो है नेवी का स्कूल है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्रीम से दिखा दूँ। ये हमारे लेफ्ट पे जो जगह आपको नज़र आ रही है ये न्यू टाउन फेज 4 की जगह है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरफ टर्न करके दिखाऊँ। सूरज जो है वो हमें सामने से नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि उससे विजिबिलिटी अच्छी नहीं लग रही। ये मैं इस बोर्ड के करीब करता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ जाए। ये है जी ग्वादर नेवी का जो बहलिया मॉडल कॉलेज, और ये लेफ्ट पे जो है सारा न्यू टाउन हाउसिंग स्कीम फेज़ 4 है। ये बिल्कुल अभी वीरान है, बिल्कुल इसमें रेत के टीले हैं। और मैं गाड़ी मोड़ के आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये आपकी नज़र ज़रा विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ये है जी बहरिया मॉडल कॉलेज, यहाँ स्कूल भी है इसमें और कॉलेज भी है। बड़ा अच्छा ही बहरिया ने इनिशिएटिव लिया है और यहाँ के बच्चों को जो तालीम दी जा रही है उस पर मेरा बड़ा दिल खुश है, मैं बहुत खुश होता हूँ जब इसको देखता हूँ। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये काबिले तारीफ़ है। इसी तरह जो मैं गुजारिश कर रहा था कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये आपको सामने नज़र आ रही है जी, ये रीजनल कैंपस इसका बनाया है, पिशुकान एवेन्यू के ऊपर है। सामने आपको यही पिशुकान जहाँ से सामने से हम आए थे, हमें उसी रोड पे वापस हूँ लेकिन मैं आपको लेफ़्ट मुड़ के तो ये यूनिवर्सिटी आपको दिखाऊंगा। ये बस स्टॉप बनाया जी, अच्छा एक इनिशिएटिव है, इसमें मार्केट भी छोटी सी बना दी, साथ ही मस्जिद बना दिया, तो ये एक अच्छी चीज़ जो 17 साल के इस अरसे में देखने को मिली है। तो ये लेफ्ट में मेरे स्टाफ कॉलोनी है और राइट में मैं आपको दिखाता हूँ कि तिब्बत यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कैंपस बना दिया गया, चले ना होने से बेहतर है। हालांकि ग्वादर यूनिवर्सिटी 2007 में अप्रूव हुई थी लेकिन कुछ नादीदा कुव्वतों ने जो है इसको बनने नहीं दिया। मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं बनने दिया, इसका मुझे इदराक नहीं।
ये लेफ्ट पे हमारे जो है ऑफिसर्स की कॉलोनी है सारी, और राइट पे हमारे जो है मैं आपको दिखाता हूँ गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज और तुंडवत यूनिवर्सिटी का कैंपस एक बना दिया गया। यहाँ ग्वादर के जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी आबादी भी अच्छी खासी है, कोई कम आबादी नहीं है, 1.5 लाख शायद मैं गलत हो सकता हूँ, 1.5 लाख से ऊपर की आबादी है ये। इसके लिए यूनिवर्सिटी जो है उसका कैंपस मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों के लिए बहुत कम होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट पे ये बॉयज डिग्री कॉलेज और राइट पे इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत का कैंपस मौजूद है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, ये एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ साथ हमारे गरीब लोग जो हैं, जो जिन बेचारों को कभी हुकूमत ने नहीं देखा, ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो एक छेड़ा है, एक छोटी सी आबादी मौजूद है, इसको कहा जाता है कुलांची पाड़ा। कुलांची पाड़ा कहते हैं, कुलांच एक हमारा इलाका है यहाँ ग्वादर के पसनी तहसील में, एक तहसील है पसनी उसमें यह है। यहाँ देखें लोगों की हालत ज़ार, पहले तो ये वो लोग ही हैं जो हकदार हैं, हमने जो मुझे लगता है कि हकदार लोग थे, उन बेचारों ने यहाँ पे आके घर बनाए, छोटे मोटे झोंपड़ियाँ बना के रह रहे पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको किसी तरह से अकोमोडेट नहीं कर सकती, कम अज़ कम इनके लिए कुछ कुछ ना कुछ तो करे, कुछ तो करे। ये देखें, ये इस तरह से इन्होंने अपनी दीवारें वगैरह बना के, जैसे भी जैसा इनको बन सका है वैसा इन्होंने बना के, और ये बेचारे अपना सर छुपा के बैठ रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ से, आप देखेंगे ज़रा, ये सामने देखिएगा, ये है जी दूसरा चेहरा दीवार के पीछे, जो मैं कहता हूँ मैं है कि मेन पे कुछ है और उसके पीछे कुछ है। अभी ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये हवेली बनी हुई है और अंदर उसकी रिहाइश है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी हकूक जो हैं वो नहीं मिल रहे लोगों को, लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए यहाँ, ये तरक्की इस तरह नहीं हो रही जिस तरह की उम्मीद रखी गई थी और जिस तरह की लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। यानी हम कहते हैं कि हम ग्वादर को दुबई बना रहे हैं। मैं कतन उन लोगों का साथी नहीं बनूंगा जो फेक वीडियोस बना के, फेक बिल्डिंग्स दिखा के आपको और अपने मफादात हासिल कर लेते हैं, और हकीकत बताने से जो है छुपते हैं और बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस शहर का मुस्तकबिल बहुत बुलंद है, लेकिन ये 107 साल तारीख है, 107 साल पहले से ये विजन चल रहा है कि जी ये ग्वादर बनेगा, ये बनेगा। मेरे यहाँ पे एक दोस्त हैं, पुराने एक रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, साजिद गफूर साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया ग्वादर के हवाले से, और उन्होंने 8 किताबें वो लिख चुके हैं इस ग्वादर की हिस्ट्री पर। 8 किताबें लिखने वाला एक बहुत बड़ा बंदा हो सकता है, बहुत बड़ा मुसनफ़ और बड़े आइडियाज़ का मालिक है, उनको आज तक किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, यहाँ ग्वादर में किसी ने उनको एक्नॉलेज नहीं किया। तो वो बता रहे थे कि 107 साल पहले जो है उनकी तहकीक के मुताबिक ग्वादर को प्लान किया गया था डेवलपमेंट के लिए, कि यहाँ पे एक तो अच्छी बोर्ड बनाई जाएगी और इसको जो है शहर को तरक्की दी जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझ पाया अभी तक कि आखिर रुकावटें कहाँ पर मौजूद हैं। आपने जब कोई घर बनाया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नक्शा बना दिया, ये इनमें से रोक रही है। यानी आप देखें अब ये सारा वाहन है, क्यों नहीं मिलता। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, आप अंदाज़ा कर लें कि ये यहाँ पर जो उड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बल्दिया की, लेकिन व्यू देखिएगा ये आपको जितना नज़र आता है। तो मैं आपको देखूँ कि एफर्ट होनी चाहिए कि जो नज़र आए, नज़र समंदर के मैरीन ड्राइव है जहाँ पर हमने कल अंदाज़ा करें इस कचरे को यहाँ डंप किया गया है। मैं आपको किस तरह से बताऊं, अब हम ये पदीजर से वापस देख रहे होंगे कचरे के ढेरों के ढेर लगे हुए, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं आपको ले जाता हूं, वापस जाएंगे इंशाल्लाह जहां से हमने इसको। लेकिन मैं आपको यहां का बीच दिखाना चाहूंगा कि आप नजर आ रही है, बेसिकली ये रिजॉर्ट्स के प्लॉट है यहाँ आजकल माशाल्लाह, खवातीन भी बच्चियाँ जो हैं वो आपको समंदर नजर आ रहा होगा, ये आप देखें किस्मतें हैं, तो इतना साफ, इतना खूबसूरत, इतना शफक नज़र में आएगा सामने, बिल्कुल मैं क्या कहूँ इस पर, तो मैं